हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि सचान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो कोई बहुत खास तो नहीं है, लेकिन है आपके बहुत काम की। लहसुन छीलना सबसे बड़ा सरदर्द होता है और डेली सुबह शाम दोपहर में खाने में नाश्ते में लहसुन का यूज़ होता है। इसे छीलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी स्किन बहुत पतली होती है, और अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना रहता है या अचानक यूज़ करना पड़ जाए तो हम बहुत आलस भी करते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए भी उतना ही बेनिफिट देता है। और आलस की वजह से मैं क्या करती हूँ, एक साथ छील करके किसी एयर टाइट डब्बे में भर के इसे फ्रिज में रख लेती हूँ, और जब भी ज़रूरत होती है इसे मैं तुरंत यूज़ कर लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ में 3-4 तरीके शेयर करूँगी जिसे आप जल्दी से, और ख़ासकर हम जब नेल्स से इसको पील करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि ये नेल्स के अंदर चला जाता है और बहुत दर्द देता है, तो वो आप ना करें। मैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं, लहसुन मैंने लिया हुआ है, इसकी मैं कलियाँ तोड़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊँगी जो पानी से है। उसके लिए हमें 2 मिनट चाहिए होंगे, इसलिए मैं पहले आपको वही बताती हूँ। इस तरह से सबसे पहले अलग कर लें इसके छिलकों को अलग, और अब एक कटोरी में पानी ले लीजिए। जैसे कि आपको जब भी पील करना हो लहसुन, तो आप इस तरह से लहसुन लीजिए और पानी में डाल दीजिए। बस हार्डली इन्हें 1 मिनट तक पड़े रहने देना है। तो जब तक ये हो रहे हैं तब तक हम दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं। दूसरे वाले तरीके से क्या है कि आप कम से कम 1/2 किलो लहसुन भी बहुत आराम से 5-10 मिनट में छील सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत होगी, यानी कि जब आपको ज़्यादा लहसुन छीलना हो तब आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करें, जैसे अचार वगैरह बनाना रहता है। तो इस तरह का एक रुमाल लें हल्का पतला, इसमें हम डाल देंगे सारी लहसुन की कलियाँ। बस ध्यान देना है कि लहसुन अच्छे से सूखा हुआ हो, गीला लहसुन ना हो। इस तरह से हम, अब हम क्या करेंगे, इसे चारों तरफ से ऐसे पकड़ लेंगे और सब तरफ से लॉक कर देना है आपको। बस ध्यान देना है कि कहीं से भी खुला ना रहे। अब हम इसे हल्के हाथों से इसी तरह प्लेटफॉर्म पर पटक देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 10-20 सेकंड के लिए या 10-20 बारी ऐसे आपको टैप करना है हल्के हाथों से, जैसा कि आप सुन भी पा रहे होंगे और आपको दिख भी रहा होगा। देखिए इस तरह से आपका जब लहसुन अच्छे से सूखा हुआ होगा और ज़्यादा कच्चा नहीं होगा तो बहुत सारा लहसुन आपको ऐसे छिला हुआ इसमें से मिल जाएगा। लहसुन कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किधर से भी लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है कि लहसुन हमारा थोड़ा सा भी कच्चा है या फिर गीला है, तो आप इसे धूप में डाल दीजिए, कड़ी धूप में 1-2 घंटे के लिए डाल दीजिए, फिर ये बहुत आराम से छिलेगा इस तरह से। और अब आइए हम देखते हैं अपना जो हमने भिगोया था लहसुन, उसके क्या हाल हैं। तो देखिए भिगोने के बाद इसका छिलका इतना बढ़िया हो जाता है कि जैसे ही आप चाकू लगाएंगे तो देखिए कितना आसानी से ये निकल आता है। मुझे सबसे अच्छा यही वाला तरीका पसंद है, मैं अक्सर इसी तरीके का इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मुझे पील करना होता है तो 1-1.5 मिनट पहले इसे इस तरह पानी में डाल के रख देती हूँ और पूरा का पूरा छिलका एक बार में उतर आता है। इस सीज़न में थोड़ा सा भी लहसुन कच्चा आ रहा है मार्केट में तो आपको दिक्कत हो सकती है छीलने में, लेकिन लहसुन को आप अच्छे से सुखा लें। देखिए बार बार उलझना नहीं पड़ता है इसकी पतली पतली लेयर्स के साथ में, और बहुत आसानी से लहसुन पील हो जाता है। देखिए ना, एक बार में ही पूरा उतर जा रहा है। तीसरा जो तरीका है वो जैसा हमारे शेफ्स वगैरह करते हैं कि लेना है इसको, चाकू रखिए, थोड़ा सा
ऐसे टैप कर दीजिए। ये तुरंत यूज़ के लिए होता है, जैसे ही आप ऐसे करेंगे छिलका तुरंत चटक जाएगा और आपको ऊपर नाखून भी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितना आसानी से निकल आएगा। बहुत तेज़ से आपको नहीं मारना है कि ये बिल्कुल कुचल जाए। जब आपको दिखे ये इसका छिलका चटक जाएगा, देखिए पैन में, या फिर तवा रहता है ना आपको गरम गरम रोटी बनाने के बाद में, तो गरम पैन में इस तरह से डाल देंगे और बस हल्का सा इसे रोस्ट कर देंगे। पकाना नहीं होता है, लेकिन गर्मी की वजह से लहसुन जैसे ही सॉफ्ट होगा तो छिलका छोड़ देगा और बहुत आसानी से ये पील हो जाता है। या जब भी आप कुकर चढ़ाएं तो कुकर के ढक्कन के ऊपर रख सकते हैं। रोटी बनाने के बाद तवा वैसे भी बहुत देर तक गर्म रहता है, तो ऐसा करके भी आप इसको लहसुन को उसमें डालकर छोड़ दीजिए और बाद में पील कर लीजिए। देखिए बस इसको 10-20 सेकंड के लिए ऐसे कर लिया है और अब ये आसानी से पील हो जाएगा। गैस को ऑफ कर दिया। और अब ये बहुत आसानी से देखिए निकल आया इस तरह से। इसको आप चाकू से, ऊपर वाला हिस्सा चाकू से निकाल दें। ये वाला भी तरीका बहुत ही कारगर है, तवे पर डालने वाला। देखिए कितने बड़े बड़े छिलके इस तरह से ये आपके भी निकलेंगे जब आप निकालेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि लहसुन अगर बहुत कच्चा हुआ तो ही आपको दिक्कत आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर लहसुन का छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। देखिए कई सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं और ट्राई करके देखिए। आपको अच्छा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी मदद मिलेगी। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए बाकी अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, तो जो वीडियो आपको देखने का मन करे, काम का लगे, उसे आप देख पाएँ अच्छे से। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें आप नेल्स का इस्तेमाल ना करें तो आपके नेल्स को नुकसान पहुँच सकता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं चलती हूँ और फिर आऊँगी किसी अच्छी सी और आसान सी वीडियो के साथ में।